हेलो गाइस, वेलकम टू बॉलीवुड इन शॉर्ट। तो आज हम आपके लिए लेकर रहे हैं हॉलीवुड की मूवी स्टेप फादर, जो कि 2009 में रिलीज हुई थी। एक सीरियल किलर अलग अलग फैमिलीज की मदर के साथ अफेयर करके उन्हें टारगेट करता है। ऐसा ही एक फैमिली के साथ करता है, तो हमारे मेन कैरेक्टर को इस पर शक चला जाता है। तो आगे क्या होता है हम इस कहानी में जानेंगे। तो शुरू करते हैं आज की एक्सप्लेनेशन। लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मूवी स्टार्ट होती है और हम हमारा मेन कैरेक्टर डेविड को देख सकते हैं। सुबह होने पर लोग जिस तरीके से सब नॉर्मल सी चीजें करते हैं, यही सब डेविड ने की। पर आज बाहर जाने के लिए वो रेडी हो रहा था। घर में एक फैमिली के साथ उसके हम फोटोज देखते हैं, पर जब वो घर से निकला तब हम घर में सबके डेड बॉडीज देखते हैं। डेविड एक सीरियल किलर है। इस फैमिली की मदर के साथ उसने शादी की थी और अब बहुत दिनों बाद उन्हें मार कर वो चला गया। पुलिस इन्वेस्टिगेशन की जाती है। पुलिस से हमें पता चलता है कि डेविड ने बहुत बार किया हुआ है। उनके पास डेविड की कोई भी आइडेंटिटी नहीं। डेविड की जो फोटोज थी वो भी अपने साथ लेकर गया। वो हमेशा कैश पेमेंट करता है, तो उसकी आइडेंटिटी पाने का उनके पास कोई भी वे नहीं था। अब कुछ दिन बीत जाते हैं और सुपर शॉप में डेविड सुजैन से मिलता है। सुजैन का बेटा शॉन कुछ लेने की जिद कर रहा था, पर डेविड देख कर कहता है कि तुम्हें अपनी मदर की सुननी चाहिए। अगर तुम लाइफ में लड़कियों की सुनोगे तो लाइफ में तुम्हारा बहुत बेनिफिट होगा। डेविड की बात सुजैन को बहुत ही अच्छी लगी। वो डेविड की रिंग देख कर उसे कहती है, तुम्हारी वाइफ बहुत ही लकी होगी। ये रिंग सिर्फ डेविड सिंपथी पाने के लिए यूज करता था। उसने कहा, मेरी वाइफ का अभी अभी एक साल पहले एक्सीडेंट हो गया, मैं उसी की याद में रिंग पहनता हूँ। सुजैन को उसके लिए बहुत ही बुरा लगता है। इसके बाद पार्किंग लॉट में सुजैन ने डेविड को पिज्जा के लिए पूछ लिया। इसके बाद 6 महीने गुजर गए थे और 6 महीने में डेविड और सुजैन एक दूसरे के करीब आ गए। अब इन्होंने शादी करने का भी डिसाइड कर लिया था। सुजैन के 2 छोटे बच्चे और एक बड़ा बेटा माइकल है। माइकल अपने स्कूल में बहुत ही ज्यादा ट्रबल क्रिएट करता था, तो इस वजह से उसे मिलिट्री स्कूल में भेज दिया था। अब वो अपनी हॉलीडेज के लिए वापस आया। माइकल की बचपन की गर्लफ्रेंड थी जिसका नाम था केली, इसे देखकर बहुत ही खुश थी। माइकल ने उसे पूछा कि डेविड कैसा है, वो अब तक डेविड से मिला नहीं था। केली ने कहा कि वो ठीक ठाक ही है। माइकल के बैकयार्ड में आने के बाद उसके लिए एक बड़ी सी पार्टी उसकी मदर ने रखी हुई थी। वो अपनी मदर से थोड़ा सा नाराज है क्योंकि मदर बहुत ही जल्दी मूव ऑन करके। माइकल डेविड से भी मिलता है पर ज्यादा उससे कुछ भी बात नहीं करता। सुजैन अपनी शादी को लेकर बहुत खुश थी। अपने फ्रेंड से पूछती है, क्या मैं जल्दबाजी तो नहीं कर रही? फ्रेंड्स ने कहा, तुम एक दूसरे से बहुत प्यार करते हो, इसमें कोई भी जल्दबाजी नहीं। सुजैन की फ्रेंड जैकी रियल एस्टेट में काम करती थी। डेविड के पास आजकल जॉब नहीं, तो ये जॉब उसे वो दे देती है। पार्टी में डेविड ने माइकल से कहा, मेरे साथ बेसमेंट में चलो, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। डेविड ने 2 कबर्ड्स को बंद करके रखा था। माइकल से कहता है कि मैं कारपेंटर बनना चाहता हूँ, इसी वजह से चीजें करता हूँ। उसने फिर सब्जेक्ट चेंज कर कहा कि फैमिली मेरे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, मैं नहीं चाहता कि हम कभी भी एक दूसरे से दूर जाएं। वो माइकल के साथ अच्छी रिलेशनशिप चाहता है। उसने माइकल से कहा कि तुम भी फैमिली के लिए जरा एफर्ट्स लेना और मैं तुम्हें मिलिट्री स्कूल फिर से नहीं भेजूंगा। रात में सुजैन माइकल से मिलने के लिए आई। उसे कहती है कि डेविड सचमुच में बहुत ही अच्छा है। माइकल कहता है कि वरी मत करो, मैं कुछ भी गड़बड़ नहीं करूंगा। ये सब वो अपनी मदर पर गुस्सा होकर कह रहा था। डेविड ने सुजैन को समझाया कि मैं उसे और एक चांस देना चाहिए। अगले दिन डेविड फिर माइकल के स्कूल में जाता है। माइकल ने पहले वहां पर झगड़े किए थे, इस वजह से वो बैंड था, पर डेविड ने उसके टीचर से बात कर उसे फिर से उसमें एडमिशन दे दिया। माइकल को यह बात बहुत ही अच्छी लगी। केली भी इसके लिए एक्साइटेड थी कि माइकल उसके साथ रहेगा। एक दिन डिनर से पहले शॉन वीडियो गेम्स खेल रहा था। उसकी मदर ने कहा कि आवाज जरा कम करो, पर शॉन माना नहीं। गुस्से में डेविड उसके पास जाता है, उसका गला दबाकर उसने उससे रिमोट छीन लिया। उसे वॉइस कम रखने की उसने वार्निंग दी। माइकल और केली स्विमिंग पूल में एक साथ है, एक दूसरे को किस कर रहे थे। ये सब डेविड ने देखा और सुजैन से बात करता है। कहता है कि ये सब इनका करना ठीक है, ये एज इन सब के लिए सही नहीं होती। सुजैन ने कहा कि तुम्हें भी जरा मॉडर्न बनना चाहिए, इस तरीके से तुम नहीं सोच सकते। डिनर करते वक्त बातों बातों में माइकल को पता चला कि डेविड की फैमिली का एक्सीडेंट हो गया था, इसी वजह से उसके लिए फैमिली बहुत इम्पोर्टेंट है। सुजैन कहती है कि हमारा फैमिली एक्सपीरियंस अच्छा नहीं था। वो माइकल के फादर के बारे में बात कर रही थी, पर माइकल कहता है सिर्फ फादर की इसमें गलती नहीं थी। यही बात करते करते माइकल के फादर यहाँ पर आ गए। वो वीकेंड के लिए सब बच्चों को लेकर जा रहे थे। माइकल की अपने फादर से नहीं बनती, तो बाहर भी नहीं जाता। सुबह सुजैन से मिलने के लिए उसकी नेबर आई हुई थी। नेबर ने कहा कि मैंने डेविड जैसे आदमी की फोटो टीवी पर देखी। पुलिस उसके बारे में बात कर रही थी। पुलिस ने डेविड की स्केच बनवाई थी और सीरियल किलर से दूर रहने के लिए कहा हुआ था। ये सब बात सुनकर सुजैन को बहुत ही हंसी आई
और अपने नेबर को सीरियसली नहीं लेती। हंसकर ये बात उसने डेविड से भी कही। ये सारी चीजें माइकल सुन रहा था। आज काम पर जाते वक्त डेविड इस नेबर को देख कर जाता है। डेविड ने माइकल को आज लंच के लिए बुलाया। उसे कहता है, तुम्हारी मदर से मैं शादी करने वाला हूँ, तो क्या तुम मेरे बेस्ट मैन बनोगे? तुम्हारे मदर को बहुत अच्छा लगेगा। माइकल भी इसके लिए मान जाता है। डेविड ने कहा कि मेरी बेटी अगर जिंदा होती तो आज 11 साल की हो जाती। अपनी बेटी का नाम उसने लिसा बताया। तो प्रीवियसली माइकल को उसने मिशेल बोला था। माइकल को बात अजीब लगी, पर डेविड कहता है उसका नाम लिसा मिशेल था। एक दिन नेबर के डोर पर नॉक आई। वो देखने के लिए गई तो वहां पर कोई भी नहीं था। घर में आने के बाद उसकी बिल्ली चिल्लाने लग गई थी। उसे देखने के लिए गई तो उसके पीछे माइकल था। माइकल उसे बेसमेंट के स्टेयर से नीचे गिरा कर मार डालता है। एक दिन माइकल और केली रूम में थे। ये दोनों इंटीमेट होने वाले थे तभी डेविड बाहर से देख रहा था। केली को इस बात से बहुत ही अनकंफर्टेबल लगा और वो घर पर चली जाती है। माइकल डेविड से पूछता है कि तुम यहाँ पर कर क्या रहे थे? डेविड ने कहा कि मैं अभी अभी घर पर आया और मेरी रूम में जा रहा था। डिनर के वक्त डेविड और सुजान माइकल से कहते हैं, तुम्हें केली के इतने ज्यादा पास नहीं जाना चाहिए, लोग उसके बारे में गलत समझेंगे। माइकल डेविड से कहता है, तुम्हें भी मेरी मदर के साथ नहीं रहना चाहिए था। इनकी आगे बात हो पाती तो माइकल के फादर बहुत ही गुस्सा होकर घर में आए। वो डेविड को धमकाते हैं, कभी भी मेरे बेटे को हाथ मत लगाना। डेविड ने शॉन को प्रीवियसली हर्ट किया था, इस वजह से माइकल के फादर बहुत ही ज्यादा गुस्सा थे। वो मारने वाले थे पर माइकल उन्हें रोक लेता है। बाहर आने के बाद माइकल के फादर ने उसे पूछा, तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे? मैं तुम्हारे साथ भी टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ। माइकल भी इसके लिए हाँ कहता है। सुजैन को पता ही नहीं था कि डेविड ने शॉन को हाथ लगाया। ये दोनों फिर शॉन के पास जाते हैं और डेविड उसे सॉरी कहता है। उसने कहा, मैं इस फैमिली में नया हूँ तो मैं कुछ मिस्टेक्स करूंगा, पर आपको मुझे माफ करना पड़ेगा। सुजैन डेविड को वार्निंग दे देती है कि कभी भी किसी को भी हाथ मत लगाना, ये उसे सही नहीं लगता। जैसे कि हमें पता है कि आजकल डेविड सुजैन की एक फ्रेंड जिसका नाम है जैकी, उसके साथ रियल एस्टेट के ऑफिस में काम कर रहा था। जैकी ने उसे कहा, तुम्हें सैलरी देने के लिए हमें तुम्हारी आइडेंटिफिकेशन लगेगी, ये सब कुछ तुम सबमिट कर देना। डेविड ये चीज कभी भी नहीं कर सकता क्योंकि पुलिस को उसके बारे में पता चल जाएगा। वो डिनर के वक्त सुजैन से बात करता है कि वो जॉब में नहीं करना चाहता। वो इसके लिए कोई भी रीजन नहीं दे रहा था। सुजैन उसे बार बार पूछ रही थी पर डेविड फिर गुस्सा होकर वहां से चला जाता है। एक दिन सुजैन जरा बाहर गई थी तो माइकल के फादर उसे मिलने के लिए घर पर आए। उस रात जो भी हुआ था इसलिए उन्होंने डेविड से माफी मांगी। फादर डेविड से कहते हैं, मैंने तुम्हारे बारे में इन्फॉर्मेशन निकलवाई, तुम जिस स्कूल में जाते थे वहां पर तुम्हारे नाम का कोई भी नहीं था। ये सब सुनने के बाद डेविड डायरेक्टली उन पर हमला कर देता है। उन्हें मारकर डेविड ने उसे बेसमेंट में छिपा दिया। सुजैन ने डेविड को कॉल लगाया और कहा कि माइकल के फादर मिलने के लिए आने वाले हैं। डेविड ने कहा कि वो आए ही नहीं। माइकल फादर को कॉल करने की कोशिश करता है पर डेविड ने जल्दी से मोबाइल ले लिया और उसे साइलेंट कर देता है। सुजैन आज रात अपने फ्रेंड्स के साथ थी। जाके कहती है, मैंने डेविड से आइडेंटिफिकेशन मांगे, उसके बाद वो गायब हो गया। उसे बात बहुत ही अजीब लगती है। सुजैन से उसने पूछा, तुम उसके बारे में जानती क्या हो? सुजैन कहती कि मैं आजकल बहुत ही खुश हूँ। वो डेविड पर डाउट कर करे सारी चीजें खोना नहीं चाहती। उसने फ्रेंड से कहा कि मेरी खुशी में ही तुम सब लोग खुश रहो। जैकी अब तक इस बात को जाने देने के लिए रेडी नहीं थी। वो और भी इन्वेस्टिगेशन करने का डिसाइड करती है। आज माइकल और सुजैन को लगता है कि माइकल के फादर आए ही नहीं। सुजैन ने आकर माइकल से बात की, कहा कि तुम्हारे फादर हमेशा ऐसे ही कहते हैं, पर डेविड ऐसा नहीं है। वो इस फैमिली को फिर से एक देखना चाहता है, तुम्हें भी इसके लिए एफर्ट्स करने चाहिए। माइकल कहता है कि मैं समझ सकता हूँ। डेविड ने माइकल के फादर के फोन से उसे मैसेज कर दिया था कि वो बिजी है और आज आ नहीं सकते। थोड़े दिनों में पुलिस को पता चल गया कि नेबर की डेथ हो गई है। उन्हें लगा था कि स्टेयर से नीचे गिरकर उनकी डेथ हो गई। इसके बारे में डेविड जब किसी से बात कर रहा था तो माइकल ने सुन लिया। माइकल रियलाइज करता है कि डेविड को सिर्फ पता चला कि उसकी नेबर की डेथ हुई है, पर ये नहीं पता चला था स्टेयर से नीचे गिरकर हुई। ये बात उसे कैसे पता थी? उस पर शक करने लगता है। इस सारी बात उसने केली से कही। वो केली से ये भी कहता है उसने अपने डॉटर का नाम चेंज किया है। पहले उसने कुछ और बताया था और बाद में कुछ और बताया। केली कहती कि तुम बहुत ज्यादा सोच रहे हो। वो चाहती थी कि माइकल कोई भी ट्रबल क्रिएट ना करे ताकि वो उसके पास ही रह सके। डेविड आकर कहता है कि थोड़े टाइम के लिए मैं जरा बाहर जा रहा हूँ। डेविड के जाने के बाद माइकल डायरेक्टली उसके रूम में आ गया। केली उसे मना कर रही थी पर माइकल को डेविड के बारे में और भी इन्फॉर्मेशन चाहिए थी। थोड़ी देर में अचानक से डेविड फिर से वापस आ जाता है। केली और माइकल घर में छुप गए। डेविड ने उन्हें आसपास ढूंढने की बहुत ही कोशिश की और बहुत चालाकी से ये फिर से स्विमिंग पूल के पास आ गए।
डेविड समझ गया था कि पहले ही दोनों घर में ही थे। माइकल को भी लगता है शायद तो ऐसे ही डेविड पर शक कर रहा है। डिनर के बाद डेविड माइकल के पास आया, उसे कहता है शायद हम दोनों में दूरी आ रही है, अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं तुम्हें फिर से मिलिट्री स्कूल में भेज दूंगा। माइकल फिर से डेविड पर शक करने लग गया और रात में लैपटॉप पर पुलिस की वेबसाइट चेक करता है। उसमें उसने डेविड की स्केच देखी है। सर्च हिस्ट्री में ऑलरेडी डेविड ने इस साइट को चेक करके रखा था, तो ये भी बात बहुत ही सस्पिशियस थी। अगले दिन डेविड का स्केच माइकल ने केली को दिखाया। केली कहती कि स्केच किसी से भी मिल सकता है, तुम्हें इतना ज्यादा इस पर सोचना नहीं चाहिए। आजकल माइकल का केली पर ज्यादा ध्यान नहीं था, ये बात केली को अच्छी नहीं लगती और गुस्से में वहां से वो जा रही थी। डेविड ने देखकर केली से कहता है शायद तुम दोनों का झगड़ा हुआ है, तुम भी अब इस फैमिली का पार्ट हो, तुम्हें हम सबका ख्याल रखना चाहिए। डेविड केली को अलग नजरों से देख रहा था, उसे अनकंफर्टेबल लगा और वहां से वो चली जाती है। बहुत दिनों से माइकल की अपने फादर से बात नहीं हुई थी, तो कॉल लगाता है। बेसमेंट में उसके फादर का मोबाइल बजने लग गया। डेविड डर जाता है, इसको जल्दी से कट नहीं कर पाता। माइकल ने अपने रूम से बेसमेंट से आवाज आ रही है नोटिस किया। वो नीचे पहुंचता है तो डेविड हॉल में था। उसे लगा कि शायद डेविड का मोबाइल बज रहा होगा, पर फिर भी वो बेसमेंट में जाकर देखना चाहता था। उसने बेसमेंट का डोर ओपन करने की कोशिश की पर वो लॉक था। डेविड ने कहा कि इसकी चाबी गुम हो गई है। इस बात से माइकल का डेविड पर और भी ज्यादा शक चला गया। सुजैन और डेविड जब एक साथ है तो डेविड की फोटो निकालता है। रात में सुजैन कुछ घंटों के लिए जरा बाहर गए। माइकल जब शॉवर ले रहा था तो डेविड ने उसके मोबाइल से उसकी इमेज डिलीट कर दी। माइकल ने डेविड को उसके रूम से बाहर आते हुए देख लिया था। ये सब आकर माइकल केली से कहता है। वो छुपके से जाकर बेसमेंट देखना चाहता था। रात में डेविड सुजैन की ईमेल चेक करता है। इसमें जैके ने लिखा है, मुझे डेविड जरा अजीब लगता है, मैंने एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर को हायर किया है, वो डेविड के बारे में हमें और भी इन्फॉर्मेशन देगा। ये ईमेल डेविड ने डिलीट कर दिया। जैके को अपने घर के बाहर कुछ आवाज आई। स्विमिंग पूल में उसकी एक छतरी पड़ी हुई थी, उसे वो निकाल रही थी तभी डेविड पीछे से आता है, पानी में डुबा कर उसने उसे मार दिया। थोड़ी देर में सुजैन घर पर वापस आई। उसका थोड़ा सर दुख रहा था तो डेविड कहता है कि गोली ले लो। एक्चुअल में गोली नींद की थी तो सुजैन शांति से सो जाती है। माइकल और केली घर पर आए। माइकल कहता है कि तुम नजर रखना, ऊपर अगर कोई लाइट वगैरह स्टार्ट हुआ तो मुझे बता देना, मैं बाहर निकल आऊंगा। बेसमेंट में उसने डेविड का लॉक किया हुआ कबर्ड चेक किया। उसमें उसे अपने फादर की बैग मिली। फादर का फोन भी पड़ा हुआ था। डेविड की अचानक से नींद खुल जाती है। वो नीचे चेक करने के लिए आया। ये लाइट देखकर केली माइकल को कॉल करने वाली थी पर उसकी बैटरी खत्म हो जाती है। माइकल बेसमेंट में फ्रीजर को नोटिस करता है। उसने देखा तो डायरेक्टली उसके फादर की बॉडी उसमें थी। वो बहुत ही ज्यादा डर गया। तभी केली बेसमेंट के ऊपर से उसे आवाज लगा रही थी। डेविड ने नोटिस करता है और केली को मारकर बेहोश कर देता है। माइकल ने बाहर निकलने की कोशिश की पर डेविड ने सारे डोर्स को सील कर दिया। डेविड केली को घसीटते घसीटते घर में लेकर आया। सब कुछ आवाज सुनकर सुजैन की नींद खुल गई। वो पूछती कि सब चल क्या रहा है। डेविड कहता है, मुझे लगा था कि फैमिली मेरे लिए परफेक्ट है, पर सब कुछ गड़बड़ हो गया। तुम्हारा बेटा मुझ पर शक करने लग गया, अब मुझे तुम सबको मारना पड़ेगा। वो सुजैन के पीछे उसे मारने के लिए भागा। माइकल बहुत ट्राई करता है और फाइनली वो बेसमेंट से बाहर निकला। सुजैन भागकर बाथरूम में छिप गई थी। डेविड इसका दरवाजा तोड़ देता है। दरवाजा तोड़ते हुए उसका शीशा नीचे गिर गया था। सुजैन उठाकर डायरेक्टली डेविड के नेक में डाल देती है। वहीं पर बाथटब में नीचे गिर गया। वो नीचे आती है और सब एक दूसरे को गले लगाते हैं। तभी डेविड फिर से उनके पास आ गया। वो उन्हें मारने वाला था पर जल्दी से स्टेयर्स लेकर एटिक में आ गए। इस स्टेयर्स को माइकल बंद कर रहा था पर डेविड इसे रोक लेता है। वो भी उनके पीछे पीछे ऊपर आ गया। डेविड और माइकल की फाइट होती है। एटिक की वुड को मोड़ लगाया हुआ था। सुजैन और केली इसे नीचे गिर जाते हैं। डेविड नीचे जाकर उसे मार देता। तभी माइकल फिर से ऊपर उठकर उसे जोर से बाहर पटकता है। वो देखता है कि क्या डेविड नीचे गिरा हुआ है, पर डेविड नीचे नहीं था। वो माइकल को पकड़ लेता है और अपने खुद के साथ माइकल को भी उसने नीचे गिरा दिया। ये दोनों बहुत ही इंजर्ड हो गए थे। यहाँ पर पुलिस आए और माइकल को हम डायरेक्टली हॉस्पिटल में देखते हैं। वो पूछता है कि मैं कहाँ हूँ। सुजैन ने कहा कि एक मंथ से तुम कोमा में थे। उसने पूछा कि डेविड का क्या हुआ। सुजैन कहती है कि पुलिस के आने से पहले वहां से भाग गया था। अब इसके बाद एक नए हुलिया में हम डेविड को फिर से सुपर शॉप में देखते हैं। जिस तरीके से वो सुजैन से मिला था उसी तरीके से किसी और लड़की से वो मिल रहा है। इतना सब कुछ करने के बाद भी वो भाग गया था। यही पर मूवी एंड हो जाती है। ये मूवी इसी टाइप के एक सीरियल किलर से इंस्पायर्ड थी जिसका नाम था जॉन लिस्ट। जॉन लिस्ट ने भी बहुत सारे लोगों को मारने के बाद एक स्टेबल लाइफ वो जी रहा था।
पर बाद में पुलिस ने उसे पकड़ लिया। इसी के साथ आज का वीडियो हम खत्म करते हैं। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा।